बंदा आएगा जो वोटिंग नहीं जाएगा तो मेरा तफक्कुर उस बंदे पर होता है, मेरा भरोसा तो ये बस बैठ दिल में बात आए और ये बात आई कि मखलूक को रिस्क देने वाले अल्लाह पर भरोसा नहीं किया मैंने। शाम को जब रोटियां लेकर आने वाला आया तो इस इबादत गुजार शख्स ने वो रोटियां वापस कर दी कि तेरी इंतजार में और इस तवक्कुल में बैठा रहता था, भरोसा तुम पर हुआ पड़ा कि तू आता है वापस कर वापस ले गया। अब भूख की हालत में तीन रोज गुजर गए, जब भूख का गलबा हुआ तो अपने रब्बे करीम से फरियाद रात को ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं अपने बंदे के जरिए जो कुछ भेजता था तुमने उसे क्यों लौटा दिया, मैं अपने बंदे के जरिए जो कुछ तुझे भेजता था तुमने क्यों लौटा दिया। इबादत गुजारा कौन था अर्ज की मौला मेरे दिल में ख्याल आया कि तेरे सिवा दूसरे पर भरोसा कर बैठा, मेरे दिल में यह ख्याल आया इसलिए मैंने उसे वापस भेजा। रब्बे करीम ने फरमाया वो रोटियां कौन भेजता है। इबादत गुजार शख्स ने अर्ज की या अल्लाह तू ही भेजने वाला है, हुक्म हुआ अब मैं भेजू तो वापस न लौटा। उसी ख्वाब के दौरान ये ख्वाब देख रहा है इबादत गुजार और एक गुफ्तगू भी चल रही है, उसी ख्वाब के दौरान देखने वाले ने देखा कि वही शख्स दो रोटियां लेकर आ भी रहा है, लाने वाला शख्स नजर आया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो भी आ गया। अल्लाह पाक ने उससे पूछा तूने इस इबादत गुजार शख्स को रोटियां देना क्यों बंद कर दी। उसने अर्ज की ऐ मालिक बोला मुझे खूब मालूम है। फिर पूछा ऐ बंदे वो रोटियां किसे देता था। उस बंदे ने अर्ज की मैं तो तुझे ही देता था यानी तेरी ही राह में देता था। इरशाद हुआ तो अपना अमल जारी रख मेरी तरफ से तेरे लिए इसके बदले में जन्नत है। जो बंदा अल्लाह करीम की जात पर भरोसा करता है उसके लिए गैब से रिस्क का इंतजाम हो जाता है। लिहाजा हमें बदशगुनी से बचते हुए अल्लाह करीम की जात पर कामिल भरोसा करना चाहिए। अफसोस जैसे जैसे हम जमाने रिसालत से दूर होते जा रहे हैं हमारा मुआशरा दिन ब दिन बुराइयों की गहरी खाई में गिरता चला जा रहा है। बदशगुनी इसी को ले लीजिए कि जिस माशरे की हर तबके इस फितने ने माशरे के हर तबके को अपनी लपेट में लिया हुआ। हैरत की बात तो यह है कि बज़ाहिर अक्लमंद नजर आने वाले लोग भी बदशगुनी का शिकार हो जाते हैं। इस मनहूस बदशगुनी ने दागदार कर रखा है सभी को। अब तो ये आलमी बीमारी चल गई है, मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोग तरह तरह के अंदाज से बदशगुनियां करते हैं। अभी मिसालें दे रहा हूँ बदशगुनी की सूरतें हैं। अब बात सोचेंगे कि ऐसा हमने कभी नहीं सोचा, कभी कुछ सोचता भी है, कुछ पुराने सोच लेते हैं, कुछ दीन से दूर वाले, कुछ शहर वाले, कुछ देहात वाले, लेकिन ये चीजें पाई जाती हैं। तो इसकी मिसालें दे रहा हूं, कभी अंधे लंगड़े एक हाथ वाले बाजू लोगों से तो कभी किसी खास परिंदे जानवर को देखकर इसकी आवाज को सुनकर बदशगुनी का शिकार होते हैं। किसी दिन को कह देते हैं, किसी वक्त को कह देते हैं, किसी महीने को कह देते हैं। कोई काम करने का इरादा किया और किसी ने तरीकाकार में नुकसान की निशानदेही कर दी या इस काम से रुक जाने का कहा तो इससे बदशगुनी लेते हैं कि अब तुमने टांग अड़ा दी, मैं काम कर रहा था तुम्हें टांग अड़ाएगा कि ये काम हो ही नहीं सकता। बदशगुनी ऐसा ना करें। कभी एम्बुलेंस की आवाज सुनकर फायर ब्रिगेड की आवाज सुनकर कोई बदशगुनी ले लेता है जब बुरा हो गया। कभी अखबार में शायद होने वाले सितारों के खेल से अपनी जिंदगी को गमगीन और रंजीदा कर खोला मैगजीन खोला और उसके अंदर गए अपनी जिंदगी के हालात जानिए आपका कैसा गुजरेगा। अब ये देख रहा है ये हो जाएगा ये हो जाएगा हम हमारा जीता हो
ये भी आपको सुना होगा